शहर में, तेरे शहर में। चला केक काटते। अभी नहीं, हमारे बापूजी का फोन आने वाला है, उनसे बात करने के बाद ही हम अपना केक काटेंगे। लगता है फोन आ गया। अम्मा फोन क्यों रख दिया? क्या बोला उन्होंने? दोबारा करेंगे फोन? क्या है ना बेटा, तुम्हारे बाबूजी और ऋषि चाचू को ना मुंबई में एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना पड़ा, काम में फंस गए ना बेटा। बाबूजी तो हमेशा ही काम में फंस जाते हैं। पहले हमसे झूठ बोले कि बनारस आएंगे, फिर बोले कि नहीं आ सकते। क्या उनके पास इतना सा भी समय नहीं है कि कम से कम हमें फोन पे बधाई दे दे? जब देखो तब ऋषि अंकल के साथ रहते, हमें नहीं मना रहा अपना बर्थडे। रुद्र तुम अभी तक गए नहीं? आज तो ऋषि भैया की 13वीं है ना, काहे नहीं गए? यहाँ क्यों बैठे हो? देखो बेटा, हम तो आ नहीं पाएंगे, ये बात तुम भाभी को जरूर बता देना। तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे बाबूजी के लिए पूजा रखी है और 7-8 दिन तक वो पूजा चलेगी। तो पंडित जी कह रहे थे कि हम किसी भी कर्म कांड में भाग नहीं ले सकते बेटा। वैसे सब काम ठीक से हो गया है ना? हाँ माँ, वो सारे काम ठीक से हो गए। बहुत अच्छी बात है बेटा, जैसे तुम्हारे बाबूजी ने ऋषि भैया जी का साथ दिया, ऐसे तुम भी उनके परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। ये सुनकर मन में बहुत तसल्ली होती है बेटा, बस तुम उनका ख्याल रखना। हाँ माँ, बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं हम उनका। तो क्या है कि शिकायत का मौका नहीं देंगे। स्नेहा जी, पूजा का समय हो चुका है, अब और अधिक देर करना ठीक नहीं है। बेचारे ब्राह्मण सब बेचैन हो रहे हैं। अरे जजमान, अभी कितना समय लगेगा, क्यों इतना विलंब हो रहा है? 5 मिनट और पंडित जी। ठीक है, 5 मिनट में ही हम पूजा शुरू करते हैं। रचिति, अब जल्दी बताइए ना कि हम लोगों को करना क्या है। क्या बताऊं मैं, मुझे कुछ नहीं सोच रहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे डैड की 13वीं, इतना इम्पोर्टेंट दिन हमारे लिए, मुझे लगा था मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन नहीं, एक काम ठीक से नहीं हो रहा। कैसी वाइफ हूं मैं, कैसी मम्मा? I'm such a failure. सारी गलती मेरी है, मेरी गलती है। ऐसा क्यों बोल रहे मम्मा आप? मैं एक काम भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही। मम्मा आप सब ठीक कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हम हैं ना आपके साथ। मम्मा पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, आप प्लीज पहले जाके पूजा करिए, है ना? हाँ मम। रज्जू क्या कह रही हो तुम, मैं कैसे जाऊँ पूजा में? क्यों? प्रसाद का एक दाना नहीं है। पंडित जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि खिचड़ी बना दो घर पे, वो भी मुझसे नहीं हो रहा। प्लीज, मैं नहीं बाहर जा सकती। इस समय ये सब सोचने का टाइम नहीं है। समय हो गया, विलंब हो रहा है। पंडित जी जल्दी कीजिए, बुलाइए ना, विलंब हो रहा है। स्नेहा जी आप पूजा शुरू करवाइए। मम्मा आप प्लीज पूजा में जाके बैठिए। कैसे जा सकती? जैज यू आल्सो गो। अब और आप हार नहीं मान सकती ना मॉम, ठीक है? सुपरमैन के लिए आइए, है ना मॉम? गरब गरब गरब, कम कम कम, प्लीज उठिए चलिए। प्रसाद की टेंशन मत लीजिए, हम कर लेंगे। कम ऑन, सब कुछ करेंगे। कम पंडित जी, आप पूजा शुरू कर दीजिए। जी पुष्प लीजिए।
जी। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेवा। रचिती पूजा स्टार्ट हो गई। माँ के सामने ब्रेव बन के तो बोल दिया कि पर हमसे पूछो मैं बैठ जाऊँ सब कुछ संभालने के, लेकिन लेकिन आई हैव नो आइडिया कि अब करे तो क्या करे। क्या करे अमू, जल्दी बताओ। लगता है जैस ठीक ही कह रही थी, जब से आए सब कुछ उल्टा पुलटा हो रहा है और ये रुद्र अभी तक नहीं आया। जैस मुझे बहुत टेंशन हो रही है अमू, हम क्या करें। रचित जी ये पूजा कितनी देर में खत्म होगी, कोई आइडिया है आपको? I don't know, maybe in a hour or something, डेढ़ दो घंटे में approximately, I don't know Amu यार। अब हवन जला के अग्नि में आहुति दें। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। अमू हाँ, हम एक काम करते हैं ना, हम काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। What's it? आप ग्रोसरीज लेके आए थे ना कल, तो आप ग्रोसरीज लेके आओ और मैं सिलेंडर का कुछ सॉर्ट आउट करूंगी और देखना पड़ेगा कि एक कैसे। वेट, सिलेंडर कैसे लाएगी? रचिती वो मैं देख लूंगी, लेकिन प्लीज अभी आप जाइए ग्रोसरीज लेके आइए, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पिछली बार 5-6 लोग ले रही थी तो इस बार 10x करना पड़ेगा। करेक्ट, 5x, प्लीज अब जाओ जल्दी से। पर अमू पैसे भी 10 गुना ज्यादा लगेंगे ना। रचिती जितना हमें बॉम्ब ने दिया है वो सब ले जाओ, लेकिन प्लीज जल्दी जाओ भी। ओके ओके, आई एम गोइंग। ओम कुलदेवे नमः स्वाहा। ओम कुलदेवे नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। भैया भैया मत कहा है अल्लाह काट रो बे। भैया दिया सिलेंडर कहा कि 12 बज गया, अब 13वीं के ब्राह्मणों का भोजी बनाना होगा। ये तो अच्छा हुआ कि सिलेंडर सही समय पे मिल गया। तो भैया हम देके आते हैं। दादा अकल के घोड़े ना दौड़ाओ, उनको जितनी जल्दी सिलेंडर चाहिए ना मिलेगा उतनी ही देर। हवेली नहीं, हरीश बाबू के यहाँ रखवा, हम खुद छोड़ाएंगे माथुरों के यहाँ सही समय आने। पर गुरु आप तो कह रहे थे कि 3 बाप की बिटियां हैं और अकेली विधवा, पूरे शहर में कोनो जान पहचान नहीं है, तो गुरु काहे ये सब कर रहे हो? हमारे बाप के होते हुए भी सारा जीवन हम अनाथ की तरह काटे, और हमारी माँ सुहागन होते हुए भी हमारी माँ को सारा जीवन पति का साथ नहीं मिला। किसके कारण हुआ? ऋषि माथुर और उनके परिवार के कारण हुआ। जो दर्द हम झेले हैं वो दर्द वो झेलेंगे। तो भैया छोड़िए ना ये सब, सीधे चौचक बदला लीजिए, ये पीठ पीछे आपको शोभा नहीं देता है। तुमको क्या लगता है बे, हमें अपना खुशी से कर रहे हैं? अगर कोई और होता तो अब तक पेटुआ दबाए दिए होते। ये हमारी अम्मा भी ना, हमारी अम्मा कोई बात पता ना चलने पाए। हमारी अम्मा को अगर पता चल गया तो हमको ऐसा करने नहीं देगी, बहुत दुख होगा उनको। सामने से मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे और पीछे से धक्का मारेंगे, ऐसा हाल करेंगे कि ऊपर बैठी ऋषि माथुर की आत्मा भी कांप उठेगी, समझे? तेरे शहर में, तेरे शहर में।